कौन बजा रहा था? सर आप बजा रहे थे। क्यों आंखें तो बंद थी आपकी? नहीं पता चला। तो उसमें कोई धुन कौन सी थी? धुन कौन सी कनी बजे मुरु? किसने गाया गाना? हमारे उत्तराखंड के कौन? क्या बात, हम अपनी जमीन इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये जो आपका जो सवाल था, जो सवाल था तो किया था आगे वो मेरा पार्टनर, फिर हमने चार में फिर ग्रुप में किया। तो वो सारी की सारी क्या है कि शुरू में आप लोग क्या कर रहे थे, सेम एक ही तरह का कर रहे थे, खड़े खड़े टच कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, सर से कर रहे हैं आप, एल्बो से कर रहे हैं आप, घुटने से कर रहे हैं, तो विजुअली जो है ना वो एक इम्पैक्ट ऐसा पड़ा। तो ऐसे ही जब हम नाटक करते हैं तो अलग अलग लेवल करते हैं। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हुआ, कोई ऊंचा हुआ, जैसे मैंने जिया रानी ने भी देखा जो मुझे अमर मोहन चौधरी जी ने भेजा, तो ब्यूटीफुली जो सेट का जो इस्तेमाल, क्यों? ताकि दर्शकों को जो है ना सारे आर्टिस्ट जो है ना वो अच्छे से दिखे। एक ही लेवल में हो गए तो मास्किंग हो रही है, आप खड़े हैं वहां पे, तो कैसे आप अलग अलग लेवल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है। स्टेज के अगर पार्ट की हम बात करें, जैसे हमने ये मान के चल रहे हैं यहीं पे तो कर रहे थे हम लोग, हु एम आई, अपने आप को अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो यहीं से कर रहे थे। तो ये वाला आपका क्या हो गया, दर्शकों की तरफ ही डाउन स्टेज हो गया, अप स्टेज हो गया, सेंटर हो गया, हर एक के फिर तीन तीन पार्ट हो गए। तो आपको ये देखना कि नहीं, ये वाली बात अगर मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे सेंटर में, या तो सेंटर सेंटर ना हो या डाउन सेंटर रहूँ। अगर आप अप की तरफ ज्यादा जाओगे तो ऑडियंस को कैसे आवाज आएगी? अगर आपको लग रहा नहीं यहाँ पर रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ब्लॉकिंग में जैसे भी डायरेक्टर जो आप हैं उस तरह से, तो टेक्निकली भी समझना बहुत जरूरी है। जो आंगिक वाचिक सात्विक, सात्विक में इमोशंस आ गए, जो हम बात कर रहे हैं आहार्य, आहार्य में तमाम चीजें आती हैं। मैंने मफलर पहना हुआ, मैंने ये पहना है, कॉस्ट्यूम है, आप मेकअप करते हैं, एक बच्चा है वो 18, जैसे सारांश फिल्म में हमको हम खेलने गया, हार्डली अर्ली 20s में था वो, और बूढ़े का रोल किया सारांश फिल्म में, देखिए आप लोगों ने, तो मेकअप का कमाल था। या पा फिल्म में अमिताभ बच्चन वो बेटा बना हुआ है और अभिषेक जो है बाप बना हुआ, या चाची 420 कमल हसन बिल्कुल बिना दांत के, उसने किस तरह वो जिस तरह से फीमेल का रोल किया उसने, एक पुष्पक है जिसमें उन्होंने बोला ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये आहार्य में आती है। तो ये चीजें, और कोई सवाल, चाहे बागेश्वर हो, चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, उधम सिंह नगर हो, उधर गढ़वाल के जितने भी हैं, चाहे देहरादून है आपका, या चमोली है, या उत्तरकाशी है, पौड़ी है, ये 13 के 13 जो जनपद हैं उनमें कहीं ना कहीं अल्मोड़ा ऐसा था जहाँ मैं छूता हुआ चला गया हुआ। इस बार मैंने कहा कि नहीं, और खुदा ना खास्ता ये कोरोना के फेज में इनसे वर्चुअल वर्ल्ड में संपर्क होता रहा है, ये इनका जो पैशन मैंने देखा ना, तो मैंने सबसे पहले इनसे संपर्क किया कि भाई ऐसे सब, फिर उन्होंने मुझे तमाम बिहार की जो गतिविधियाँ हैं, ग्रुप साहब वहीं से आपके बारे में और आपके कलाकारों के बारे में और आपकी संस्था के बारे में सारा श्रेय इनको जाता है। मैंने कहा नहीं भाई, चाहे छोटी सी क्षणिक मुलाकात हो, बट आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट। सर हम चाहेंगे कि भविष्य में, नहीं आप प्लान कर रहे हैं, गर्मियों में, गर्मियों में सोच रहे हैं कुछ इस तरह का, बाल उसका ये चाह रहे हैं जो जिन्होंने बुलाया है, तो हम चाहते हैं कि चलो वो तो 2-2.5 घंटा एक होगा, लेकिन बड़ों के साथ अलग से अगर आप लोग और हमारे मनमोहन जी हैं या देवेंद्र है या ध्रुव जी हैं मिलजुल करके, तो वी कैन प्लान। तो क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम क्योंकि यहीं के बाशिंदे हैं, बुरा तो उनको लगे तू अरे यार कहाँ इतनी लंबी यात्रा, ये थक गया वो थक गया, मतलब ये लगा लीजिए कि ये सामने है, मैं पहले दिनों के लिए नहीं थक गए होंगे आप हाथ में उठा नहीं, और मैं कहाँ बैठा हुआ था कि ढूंढ ढूंढ के परेशान और मैं लास्ट तक रहा वहाँ। बाकी सब सीडेंट इसलिए शेयर कर रहा हूँ, तुम्हारा सवाल है ये, तो रंजीत कपूर जिन्होंने जाने भी दो यारों, उसके बाद तेरे मेरे सपने, ये राइटिंग का काम किया, चिंटू जी उन्होंने डायरेक्ट की जो फ्लॉप रही, तो उनके भाई अनु कपूर, तो उन्होंने बोला उससे दीपक सरेन से कि भाई अगर आपको बच्चे को ये जब प्यार किसी होते हैं बच्चे की कहानी है, तुम नेट में जाओगे तो पता लगेगा, तो बच्चे की कास्टिंग करनी थी। उन्होंने कहा वो जो है ना स्टूडेंट्स वगैरह के काम करते हैं उनको आप मिलिए, वो आए प्रतीक थिएटर में मुझे मिलने, उन्होंने सोचा नाइट शो है, हमारा था इवनिंग शो, हम कॉस्ट्यूम वगैरह मेकअप वगैरह रिमूव कर रहे, तो कोई आया वो जो कोऑर्डिनेटर थे हमारे स्टूडेंट, कोई आया है बाहर, मैंने कहा कहीं ऐसे घर मुझे भेजा उन्होंने, और वो मैंने कहा शो तो खत्म हो गया, ओफ वो, फिर उन्होंने कहा घर आइए आप। उनका कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन उस तरह का नहीं था, लेकिन एक पैशन था, जैसे आप सब लोगों का पैशन, ये कोई जरूरी नहीं है कि BNA की डिग्री हो, NSC की, नो नॉट एट ऑल, मेरे अपने NSD के बुरा लगता है कभी कभी करना कि जो ऐसे हैं कि उनसे बेहतर दूसरे नॉन NSD ने, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि, लेकिन आपने अगर कोई संस्था जोड़ रखी है उसमें अगर आप काम कर रहे हैं यही आपको निखारेगी। तो वहां पे फिर हमने क्या किया, फिर मैंने छोड़ दिया अपने TI, वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, फिर उनके साथ मैंने
परोक्ष में लोगों को ये रखा था ये रिलेटिव है, लेकिन फ्लोर में मैं उनके साथ डिस्टेंस रखा था कि लोगों को ये पता ना चले, लेकिन घर में आके हम जो ना उनको पूरा करता था। जिसमें एक में तो ऐश्वर्या राय थी, तो मैं उनको लिख के देता था ये करूँगा ओके पैकअप, इस तरह से हमारी ट्यूनिंग बन गई थी। तो उन्होंने दोनों फिल्म डायरेक्ट की, लेकिन यहाँ से टर्निंग पॉइंट आया था मुंबई में, काफ़ी साल में वहाँ रहा। फिर मुझे लगा कि नहीं इसमें शोध किया जाए, तो बैरी जॉन के ही उसमें गाइडेंस में उन्होंने कि कैसे इस रंगमंच का शिक्षा में प्रयोग करेगा, औजार की तरह भूगोल है, इतिहास है, हिंदी है, अंग्रेजी है, कैसे उसको प्रभावी बनाएं, कैसे उसको रोचक बनाएं क्लासरूम में। तो फिर इसमें मैंने अपनी PhD की, थिएटर इट्स सिग्निफिकेंस इन एजुकेशन। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा इस तरह के उसके लिए कि मैं अपने को बच्चों के नज़रिए से भी देखता हूँ, चाहे वो स्कूल लेवल के हों, कॉलेज लेवल के हों, या यूनिवर्सिटी के लिए। जितने छोटी छोटी क्लास में जाता हूँ उतना मुझे जो है ना और ज़्यादा प्रिपरेशन करने पड़ती है। मैं जब क्लास वन और टू के लिए था तो मैंने बांसुरी ऐसी रखी हुई थी, थोड़ी देर में बोला कि नहीं आपको जो है ना वहाँ बुला रहे हैं, वो आए हैं कोई बाहर से ना विजिट कर रहे हैं। मैं चला और ये जब तक मैं आया मेरी बांसुरी ना एक पटक पटक ही यूँ कर रहा है बच्चा, और वो दूसरे बच्चे छीन रहे हो बाहर है। ये मैं क्लास फर्स्ट की और सेकेंड की बात बता रहा हूँ, और खुश हो रहे हैं। मैं सर पकड़ के, वो बहुत किसी ने गिफ्ट दी थी, वो जापानी नोहो थिएटर होता ना, तो उन्होंने वो बहुत कीमती थी मेरी, तो वैसी है इसमें। तो अब बच्चों को क्या समझाएं, या जैसे मैंने कहा ओके बच्चों अभी आपको जो है ना हम आपड़ा का डाबड़ा गिली गिली छू, किसको बनना है फ्रॉक, किसको बनना है रानी, किसको बनना है ये, तो बच्चे कहें मुझे बनना सब जो है ना हाथ कर रहे हैं। मैं कहूँगी आपड़ा डाबड़ा गिली गिली छू, तुम बिल्ली बन गए, तुम चूहा बन गए, तुम राजा बन गए। पर एक बात है, दरवाजा जब खोलेंगे तो जो चूहा है, जो बिल्ली है, जो बंदर है, वो यूं ही करता रहे, और जो भी आप बने में आपको ना आपके मम्मी पापा पहचानने पाएंगे। तो नर्सरी क्लास फर्स्ट टू के जो बच्चे थे वो जो कलेक्टिव, दे स्टार्टेड लिटरली क्राइंग, हम वो नहीं बनना अंकल, हमको हमारी मम्मी के पास जाना। उनके अंदर देखो ना मेक बिलीव कितना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता मेच्योर हो जाता है ना, यहाँ पे ना स्वर्ण रावत एक्टिंग कर रहा है, यहाँ पे ध्रुव सर जो है ना ये एक्टिंग कर रहा है, असल में ना ऐसा नहीं है। तो आप जो है ना कई इंटरप्रिटेशन लेते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो प्योर एकदम इनोसेंट होता है। तो ये होता है कि उनके अंदर ये होता है कि सचमुच में बनने वाला है। आप अगर बोलोगे फोन करोगे बेटा आप जरा बात करना, कौन था ध्रुव जी बोल रहे हैं, कहाँ अरे आप EDD होता था एक आध होते थे, लेकिन इस फील्ड में अब तो एक तरह का रिवोल्यूशन हो रहा था। आप सिर्फ ये मैं सोचे कि नहीं साहब इंजीनियर डॉक्टर या इस तरह का, कि नहीं इसने भी जो आप, और कई ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशन दूसरा है लेकिन स्वार्थ और सुखा के लिए उन्होंने ये काम किया है। कई हैं, डॉक्टर राम लागू हैं, उन्होंने इस तरह का किया है, चंकी पांडे और भी बहुत सारे हैं, तो ये भी कर सकता है। क्योंकि ये है कि हाउ एक्सप्रेसिव यू आर, आप ये एक सशक्त माध्यम है अभिव्यक्ति का। आप कोई भी, चलो आप ठीक है आपके घर परिवार और आपका मन हो रहा है कि मैं दूसरे, लेकिन कभी अगर आप पोडियम में जा रहे हैं और आप तमाम सैकड़ों हज़ारों लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और आपको खड़ा होने का अंदाज नहीं है, आपको बोलने ऐसा होना चाहिए कि मेसमराइज कर दें आप लोगों को, सारे ऐसे हो जाएं कि अरे यार सुनते रहना था इसको, पलक भी नहीं झपके कितना, अरे थोड़ा और बोलता वो मैजिक स्पेल स्पेंट बाउंड, ऐसा इस तरह का जादू होना चाहिए। वो तभी होगा कि जब आप जो इन लोगों के साथ आप जुड़े हैं अभियान में, जो सीनियर्स हैं इनके साथ आप तमाम ये चीज़ें फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, अपने वॉइस और स्पीच में काम, अपनी फिजिक पे काम, इसके अलावा इमोशंस के, जो लड़की थी जो लास्ट में कौन कह रहे थे मेरी वाइफ थी, किसने बोला था जब मिलवाया था आपने, ये सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा ना, तो वो है वो उसमें देखो उसमें क्या उसने ये ब्लिंक किया है ना, एक में उसने डायलेट की, एक में अगर वो जो ब्लिंक करने का जो पेस है ना उसको स्लो डाउन करे, या जो पहले वाला एक वेरिएशन कर दे, वो भाई ये भी तो सकता है यूँ यूँ कर रहा है ये आने के लोग है दूसरे में यूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पहली और आखिरी क्यों माने, ये शुरुआत हो गई है जी जी, और आप लोगों के सहयोग से हम आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी ख्याल से हम मनमोहन जी के डिस्पोजल में हैं, आगे किसी और को मिलना है। ठीक हो गया, मैंने देखा था कि कोई इम्पोर्टेंट वाला एरिया तो नहीं रह गया जिसकी बात नहीं हुई है आपको, और कुछ कुछ अपना जो है ना कुछ चेहरा मोहरा कुछ इस तरह से बैठे हाँ बात कुछ करो ना, हाँ ऐसे कर, हाँ ये उदाहरण दिया मैं, तो आप ये नहीं बोलोगे इसको कि हनुमान की तरह बन जाओ, आपको खाली ये बोलना है एक एक करके, जैसे पहले आपका नंबर आया तो आपने
एक छोटा सा सेंटेंस बोलना कि अपना हाथ दायां इधर कर दो, बायां उधर कर दो, फिर आप तो ऐसे से करके आपने जितने भी आप लोग हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 5, 11 लोगों ने मिल करके इसको क्या नाम इनका हाँ तो दिग्धा को और ये कौन से दा संदीप दा की तरह बनाना है, ये आपका सामूहिक प्रयास है और आप वार्तालाप नहीं करोगे, दाना हाथ उठाना खाली, ये बोला इन्होंने। हाँ अच्छा आप उधर से बोलेगा कोई, हाँ आप बोलो इधर से, इधर आओ ना तभी तो देख पाओगे आप, इधर आ जाओ आप लोग ताकि इधर इधर यहाँ तक आ जाओ ताकि आप देखोगे आप लोगों को इस तरह, आप लोग भी इधर आ जाओ। हाँ नहीं दोनों ग्रुप के बीच में इधर आ जाओ और इधर इधर आ जाओ, और इधर जाओ, उधर वाले ग्रुप में सिख ने बोल दिया था दायना हाथ उठा बोल दिया था, अब इधर वाले ग्रुप बोले, हाँ अब इधर वाले ग्रुप वाले बोले हाथ थोड़ा टेढ़ा, अब ये नहीं बोला इन्होंने लेफ्ट या राइट, देखो ये बड़ा वेग बड़ा झंडा था, नहीं राइट की ओर गर्दन झुकाओ, ओके कोई रह गया और हाथ खड़ा करो जो जो रह गए जिन्होंने नहीं बोला, हाँ एक मिनट एक रुक जाओ, हाँ दाएं हाथ को सर में ले जाओ, दाएं हाथ को सर में ले जाओ, रिलैक्स, ओके बैठ जाओ बैठ जाओ, तो वो क्या करेगा देवेंद्र, क्या फॉल्ट है उसमें, जब ऐसे ही बोला कि नहीं दाएं ले जाओ और मुड़ो मुड़े जा रहा है, ये ऐसे करो वो करो, तो इंस्ट्रक्शन और बाकी सुन करके उसको एग्जीक्यूट करना वो भी इम्पोर्टेंट है। सुना, सुनने के बाद उसने मनन किया कि ओके अब मेरे को ये किसी तरह से, तो वो भी उतना इम्पोर्टेंट और आपके लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है, वो अच्छा हुआ शुक्र है कि स्टूड आ गया, नहीं तो आपको ये हो रहा था रे टूट ना जाए। तो ये जो चीजें हैं आपका कभी वास्ता पढ़ा है अपने स्कूल में, जब किसी टीचर से पढ़ा जो कि या मैडम जो ऐसा पढ़ाती हो कोई भी सब्जेक्ट, जब आप छोटे रहे होंगे और आपके पल्ले नहीं पड़ता था आप ऐसे गुंडे लाते थे, तो हाँ बताइए शेयर कीजिए शॉर्ट में, हाँ ठीक है थैंक यू।